सोशल मीडिया के जरिए लोग सवाल पूछते हैं कि तेल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। क्या सब्सिडी को खत्म करना भी काफी जरूरी है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ तिवारी है नेता बीजेपी, संजय गुप्ता है नेता कांग्रेस, प्रवीण भारतीय जी हैं समाज सेवी हैं, एके मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और अमित पहलवान जी है सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही जनता जनार्दन भी हमारे साथ है जनता। लेकिन आदमी आम लोगों को राहत भी मिलना चाहिए। देखिए अर्थव्यवस्था मैं आऊंगा, चलिए अर्थव्यवस्था भी क्या है, वो भी सब लोग है। अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी चीज से मजबूत होगी? नहीं, देखिए लोगों पर चोट करके नहीं, नहीं मैं आपको बताऊं, जो टैक्स जनरेशन करके जो अर्थव्यवस्था रियल वे में देखिए आसिफ, अगर अर्थव्यवस्था किसी कंट्री की मजबूत होती है ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने से होती है। इंडिजिनस अगर आप टैक्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं, अपने पब्लिक के ऊपर टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था का रियल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, आपकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, आपको अर्थव्यवस्था ग्रो करनी है तो ऐसे चीजों से करिए जिसको कि आप एक्सपोर्ट करते हो मैन्युफैक्चर करके, ऐसी चीजों को नहीं कि जिनको आप इंपोर्ट कर रहे हो। सऊदी अरेबिया वगैरह जिन चीजों को ये कॉमन फंडा है इकोनॉमिक्स का, सऊदी अरेबिया वगैरह इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप देश की जनता के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये सामंतवादी सरकार है कि देश का भला करने वाली सरकार है? दूसरे मुद्दों में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पेट्रोल की प्राइस के लिए अगर मैं देखूं तो इन्होंने अपनी देश की इकोनॉमी को पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। पैसे इकट्ठे करो और उन्हीं पैसों का यूज चुनाव के 6 महीने पहले ब्यूटीफुल तरीके से मैनिपुलेट करके फ्री में जो है आप लोगों को दे दो, ताकि हम दोबारा सरकार बना ले। ये तो अच्छे दिन नहीं थे, कम से कम पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर हम देखें जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, उसके ऊपर 40% लगभग 40 रुपए तक, यानी कि 50% जो है वो टैक्स लगता है। राज्य और केंद्र सरकारें अगर टैक्स को कम कर दें राहत मिलेगी। देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूँगा, 30 रुपये एक लीटर जो है लगभग कॉस्ट आती है, और उसके बाद 80 रुपये 75 रुपये में बिकता है, तो आप समझ सकते हैं। तीन पैरामीटर्स में मैं आपके इसके आंसर को पूरा एनालाइज करना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन को। पहली चीज़ ये है, देखिए अगर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के को ये गवर्नमेंट डील कैसे कर रही है, उसके मैकेनिज्म को देखा जाए, मोडस ऑपरेंडी को देखा जाए, तो मैं बोलूँगा कि ये भाजपा जो गवर्नमेंट है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, उसके हिसाब से काम कर रही है। और इस भाजपा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्राइस लिस्ट पे नीचे एक लाइन लिखी है, प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन और कस्टमर। वही हो रहा है, रोज पेट्रोल के दाम चेंज हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़े गर्व के साथ कई प्रोग्राम में इन्होंने बोला है कि भाई मैं एक बनिया हूँ, वो भी गुजराती बनिया। अब देखिए अगर आप बनिया हैं और गुजराती बनिया है तो आप सही कर रहे हैं। भाई बनिया का क्या है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, कहीं से भी प्रॉफिट चाहिए, तो इस चीज के लिए मैं माननीय मोदी जी को तो जनता के लिए नहीं, एक मिनट, नहीं मुझे खत्म कर लेने, एक पॉइंट और है। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो ये पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही है, उसके कारण एक नया विचार मेरे दिमाग में आया है। इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमी ऑफ कंट्री, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कंट्री आपने कभी सुना है? एक मिनट पहले मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कंट्री मोदी गवर्नमेंट जी की ये जो पूरा प्रोसेस है चलाने का, उससे ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है पूरी देश की इकोनॉमी को हाईजैक करके कैसे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को साधा जाए, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गई। ठीक है, अगर राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आम जनता नाराज होगी तो फिर उसका क्या फायदा है? वोट तो आम जनता से ही लेना। अरे साहब आप देखते हैं इनको डैमेज कंट्रोल करना बहुत अच्छा आता है, आम जनता नाराज हो, इनको पता है हम इतना कमा लेंगे पेट्रोलियम के ऊपर सेस वगैरह लगा के, और चुनाव के 6 महीने पहले हम फ्री में गैस सिलेंडर वगैरह देंगे। जनता जनार्दन तो बड़ी भोली होती है, वो भूल जाएगी, ये फिर से आ जाएंगे, तो उनके पास अल्टरनेट इसका अवेलेबल है। हाँ ये सरकार वाकई में मोदी जी ने जो बोला कि भाई मैं एक गुजराती बनिया हूँ, उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ये वही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वेलफेयर ना होके प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। बिल्कुल, सरकार को समझना चाहिए, मैं आऊंगा आपके पास, कि कम से कम जनता के लिए हम सरकार चला रहे हैं, जनता को सहूलियत मिलना चाहिए। पेट्रोल और डीजल, उसका सीधा रिश्ता जो है वो आम लोगों से होता है, और अगर इसके दाम आगे बढ़ेंगे तो आम आदमी भी जो है वो फर्क पड़ेगा, उद्योग पर भी फर्क पड़ेगा, हर कोई इससे प्रभावित होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे नियत पर भी सवाल। देखिए आसिफ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इस सरकार में है, विरोधाभास।
जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है रियल टर्म में, तो आपके देश का जो मुद्रा होती है यानी रुपया डॉलर के अगेंस्ट मजबूत होता है, रुपया गिरता जा रहा है डॉलर बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ है, लोगों में खुशहाली आती है, चीज़ें सस्ती होती हैं, महंगाई कम होती है, इनका मुद्रा कोष तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन इकोनॉमी ग्रो करने के जो लक्षण होते हैं ना कि देश में खुशहाली है, प्राइसेस कम हो, वो कुछ नहीं है। यानी इकोनॉमी बढ़ रही है और देश की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, ये एक इतना आंकड़ों का फेर है ये। नहीं नहीं, यही देखिए, यही तो बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर रही है लोगों को। देखिए, बिहार में चाणक्य के टाइम पे जो घनानंद एक जो राजा थे जिसको चाणक्य ने हटाया था, उनकी भी इकोनॉमी ऐसी थी। कैसी थी? प्रजा से टैक्स लेकर के राजा तो मजबूत हो रहा था, धनी हो रहा था, प्रजा कंगाल हो रही थी। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा इकोनॉमी ग्रो करने का पैरामीटर है कि प्रजा की जेब भरी रहे, उसको सहूलियतें मिले। यहाँ सरकार डेफिनेटली ग्रो कर रही है, उसका खजाना भर रहा है, लेकिन आप लोगों से पूछिए कि एक पर कैपिटा इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना स्ट्रांग हुआ, महंगाई पे कितना इन्होंने रोक लगाया। ये देखिए, ये विरोधाभास या तो हटा दें या ये मान लें कि ठीक है, हम जनता से ये स्यूडो ग्रोथ में इसको बोलता हूँ, झूठा ग्रोथ है। बिल्कुल, सरकार को कम से कम आम जनता के लिए ही करना है। अगर आम जनता खुश है, आम जनता को अगर राहत मिल रही है, तब समझिए कि सरकार सब कुछ ठीक चल रहा है। मिश्रा जी, एक बात समझाइए कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम ये बढ़ा देंगे और दाम ठीक है कम नहीं करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार को तो चलो फायदा हो जाएगा, लेकिन आम जनता को तो नुकसान होगा, छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं उनको नुकसान होगा, क्या उससे अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त हिट लगता है? आसिफ, देखिए मैं आपको बताऊं, हमेशा किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसे चीजों की प्राइसेस को हमेशा लो रखती है जिसके कारण इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इसमें एनर्जी सेक्टर आता है। जैसे देखिए, सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि एनर्जी के जितने भी प्राइसेस हैं कम हो, बिजली हो, बिजली आप सस्ती दिलाओ। इसी तरीके से पेट्रोल है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर पेट्रोल और डीजल कम होगा तो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। अगर आपने एनर्जी के सोर्सेस के दाम बढ़ा दिए तो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा ही नहीं पाओगे। दुनिया में सारे देश जो हैं एनर्जी के सारे सोर्सेस और प्रोडक्ट के दाम को सब्सिडी दे के भी कम रखते हैं, और उससे जो भरपाई उनको करनी होती है, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी भरपाई वहां से हो जाती है। ये सिंपल फैक्ट है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी रखें तो फिर अर्थव्यवस्था के बेहतर के लिए क्या विकल्प होंगे सरकार? नहीं, बहुत है। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, इस गवर्नमेंट की शुरू में सारी योजनाएं बहुत अच्छी थी। मेक इन इंडिया से मैं बहुत उत्साहित था। मैं बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया अगर केवल सक्सेस हो जाए तो इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा, आप उसको एक्सपोर्ट करिए, पहला तो ये हो गया। एमएसएमई को आप बढ़ाइए, उसके साथ देखिए और क्या है, एक पाई चार्ट आप बनाइए। आप इसके भार को केवल पेट्रोल पे मत डालिए, डिफरेंट सेगमेंट से आप जो है केवल पेट्रोल पे ही आप क्यों सब्सिडी नहीं दे रहे हो या दाम बढ़ाते चले जा रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप दाम बढ़ा सकते हो और जनता को उतना असर नहीं होगा, वहाँ नहीं करना है। पेट्रोल पे दाम आप इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि जनता मजबूर है, वो उसको झेलेगी ही झेलेगी, उसको पे करना है। तो इसको एक पाई चार्ट बना के सारे सेक्टर से आप कलेक्ट करिए, आप टैक्स कलेक्ट करिए। आपने जो अभी ये नया जीएसटी सिस्टम लाया है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करिए। हम चोरों के साथ समझौता नहीं करते, हम चोरों के साथ गठबंधन नहीं करते। किसानों की अगर इनको फिक्र है, आज ये स्थिति आ गई कि सारे चोर मिल गए और अपने अपने भाई ढूंढने लगे। पंजाब की हालत है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का खड़ा है, चीनी मिलों ने पर्ची तक नहीं दी है, किसान की हालत खराब है। ये वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, किसान के लिए कुछ नहीं किया वर्तमान सरकार ने, कुछ नहीं कर रही है सरकार। अरे तो क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप, क्यों नहीं पकड़ रहे हो जिन्होंने देश को लूटा? क्यों नहीं सुस्त आपकी सरकार है, क्यों नहीं सुस्त बैंक से पैसे ला रहे हो? क्यों नहीं विजय माल्या को आप पकड़ पा रहे हो? कब पकड़ोगे बताओ आप कब पकड़ोगे? क्यों नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आप जेल भेजते हो? इतने बड़े बड़े सब लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने चोरी किया, एक को भी आप जेल नहीं, आप रिकवरी नहीं करवा पा रहे हो। हिम्मत नहीं, इतने भगोड़े हैं देश के, एक पैसे की रिकवरी आप नहीं करवा पा रहे ना, सरकार के प्रति आक्रोश दिखा देना, एक आदमी से आप रिकवरी आप करवा पाए हो? किसी आदमी से आप रिकवरी करवा पाए हो? आप बोलने दोगे? जनता को सत्य को सामने लाने दो। अगर आप क्या, आप सिर्फ क्वेश्चन उठा रहे हो, आप कुछ क्या सत्य यही है? बात तो आप ही को, बिल्कुल आपको भाई, आसिफ भाई, ये जो 70 साल चोरी की है वो तो ना बोले, जो 70 साल चोरी और डकैती की है वो चुप रहे, जो जो चोरी की है सरकार की।
मैं आपको बता रहा हूँ सर, सर एक मिनट शांत रहिए। सरकार की ये मजबूरी है, सरकार जब शुरू में आई थी तो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया था, पाई चार्ट, कि हम अपना खजाना कहाँ से भरेंगे। उसमें सबसे पहले इन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, साल डेढ़ साल तक खूब इन्होंने तमाशा किया, मुझे लगता है वो फेल हो गया, मेक इन इंडिया से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। बाकी इन्होंने जीएसटी वगैरह टैक्सेशन के लिए जो भी चीज़ें लाई उससे उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, वो एक रेगुलर बैन है, मतलब आप उसको पकड़ लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स बढ़ा दो, प्राइसेस बढ़ा दो, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। 3.7% पूरे GDP में जो है रेवेन्यू, पेट्रोल का जो है प्राइसेस का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनको दिखाना है कि हमारे कंट्री की ग्रोथ हो रही है, मेक इन इंडिया से, मैन्युफैक्चरिंग से, एक्सपोर्ट से ग्रोथ तो हुई नहीं, अब इनको ग्रोथ फिर भी मेंटेन रखना है, अपने खजाने को भरा हुआ दिखाना है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट को चुनेंगे जो बेहद मजबूरी है जनता की और जिससे मल्टीलेयर इनको फायदा हो, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। एक बार पेट्रोल डीजल पे इन्होंने दाम बढ़ाए, सारी चीजों के दाम, ट्रांसपोर्टेशन के, सब्जी के, सब बढ़ गए, सबके दाम बढ़े, दवाइयों के दाम बढ़े, तो उस पे टैक्स भी बढ़ गया। तो आप बता, चलो ठीक है, लेकिन ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन आम जनता परेशान हो जाएगी। तो फिर 2019 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो फिर क्या गवर्नमेंट, यही तो गवर्नमेंट को समझाने वाली बात है, जो समझ नहीं रही है। उनको तो केवल अपना खजाना भर के ग्रोथ दिखाना है, ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। सुनिए, कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है कि मौजूदा सरकार को घेरो और अपनी राजनीति रोटी सेको, ये कुछ लोगों ने, मैं जहां तक पेट्रोल की बात, जब आप विपक्ष में थे तो आपका भी यही काम था, तो विपक्ष का काम है। देखिए, आप लॉजिकल जवाब दीजिए, आप इकोनॉमी को हाईजेक करके पॉलिटिकल इकोनॉमी में कन्वर्ट मत करिए कि चुनाव के एक महीने पहले आप सब्सिडी दे देंगे, पांच साल आप जो है आप पांच साल तक प्राइसेस बढ़ा के रखेंगे और दो महीने पहले पूरे देश में आप सब्सिडी दे देंगे। ये प्योरली जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह आपकी सरकार बिहेव कर रही है। नहीं, आप मुझे कौन चोर है और कौन चोरों का साथ, तो सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं ना, तभी तो आज सवाल ये पूछा जा रहा है ना, मेक इन इंडिया से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, GST से नहीं आ रहा है, MSME से नहीं आ रहा है। जनता को एक और मुद्दा मिल गया कि जनता परेशान है, जनता की सेहत खराब हो गई पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, और आपके नेताओं में और मंत्रियों में फिटनेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, जनता परेशान है, आप फिटनेस कंपनी नहीं। मैं इस दोनों बात को लेकर मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मीडियाओं से भी निवेदन करूंगा कि दोनों मुद्दे को आप एक साथ इस तरह सम्मिलित ना करें, क्योंकि नहीं बिल्कुल मुद्दा है। मैं अगर रोम जल रहा था और नीरो सो रहा था, रोम जल रहा था और नीरो सो रहा था, पेट्रोल में आग लगी है और इनके मंत्री लोग फिटनेस। आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब मुझे देने दीजिए। जिस वायरल ट्विटर वीडियो की आप बात कर रहे हैं आसिफ भाई, उस वीडियो को डालने वाला यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने डाला है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दे नहीं सुनिए वो कहीं ना कहीं ये खेल कूद बीजेपी प्रदेश ही, वो उसे फिटनेस, अगर कोई फिटनेस की बात करता है तो क्या गलत करता है क्या? ऐसे डैमेज जब जनता पर नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर ये बातें पेट्रोलियम मिनिस्टर करते तब आपके क्वेश्चन जायज थे, ये बात वो मिनिस्टर कर रहा है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो। सेकंड, आपके सारे एनकाउंटर फर्जी हैं इनके, गरीब किसान को मारे। आसिफ, देखिए मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वाक्य बोला था और बड़ा गौरवान्वित हुआ था उसको सुन के। उन्होंने बोला था कि हमारा यूथ जब माउस को घुमाता है तो पूरी दुनिया को नचाता है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो जो माउस है, चूहा है, वो आज जाकर के कहाँ मिल रहा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब ये बोल रहे हैं कि जी 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पकौड़ा तलो। यूथ के सामने प्रॉब्लम ये है कि पकौड़ा तलने की दुकान भी हम कैसे करें जब सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। तो वो चूहा घुमान, देखिए कहां से कहां बात को पहुंचा दिया, पूरी दुनिया को हम माउस नचा के नचाते थे, आज वो माउस खोदा पहाड़ तो उसके नीचे निकला और पकौड़े की दुकान खोलो भैया, सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, अब पकौड़े की दुकान भी हम नहीं खोल सकते हैं, नौकरी तो दूर की बात है। वो जनता का हक है, किसे सर पे चढ़ाना है, किसे जमीन, सही दिशा में जा रहे हैं नहीं, कोई सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस या क्राइसिस को मेंटेन करना एक बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, और सारे सेक्टर पे इक्वल मैन्युफैक्चरिंग को आप बढ़ाइए, एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, ताकि वो रियल ग्रोथ हो, न कि जनता के ऊपर आप टैक्स का। आपने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे,
महंगाई लगातार जो बढ़ रही है उस महंगाई को हम कम करेंगे, तो महंगाई कैसे कम करेंगे जब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने ज़्यादा होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे दिन का जो वादा था वो निरंतर हम पूरा करने के प्रयासरत हैं और हम कर भी रहे हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है और जब आप कंपैरिजन करते हैं यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट की, तो उस वक्त महंगाई ना केवल सिर्फ पेट्रोल की नीति पे थी, बकायदा आप जनरली जो खाने पीने के सामान हुए और भी बहुत सारे एक्साइज आइटम्स थे जिसपे महंगाई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 12वें दिन बढ़ गए, क्यों नहीं कंट्रोल सरकार कर पा रही है? क्या सरकार के बाहर कंपनियां हो गई? बिल्कुल नहीं, सरकार इस पे बहुत ही गंभीर रूप से सोच रही है। और जैसा कि आपने देखा था, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि एक जिम्मेदारी लेनी बात होती है, जो सरकार इस पे सोच रही है अगर ये जीएसटी के अंदर आए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम में कटौती है। क्यों नहीं ला रहा, किस बात का? सरकार आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं, आपकी, आप करिए बिल को पास करिए, क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में ला रहे? देखिए, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट करता देना चाहूंगा, अगर कोई इंसान घर चलाता है और घर में अगर कोई आपदा विपदा आती है तो उससे भाग खड़ा होना और उसका निदान देना, दोनों में फर्क होता है। तो हमारी सरकार यही कह रही है, मैं वही कह रहा हूँ, 4 साल हो गए, 4 साल में बहुत चीजें बदली हैं। क्या बदला? आम आदमी से जुड़ी पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल दीमक की दाम अगर आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं डीजल के दाम बढ़ने के बाद हर चीज प्रभावित होती है, हर चीज परिवहन प्रभावित होता है, ढुलाई प्रभावित होती है, अनाज के दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबके जेब पे असर जरूर डालता है, ठीक। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर घर में आपदा विपदा आई तो उस पे नियत पे सवाल उठना चाहिए कि आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं या उसके खिलाफ सिर्फ आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। कहाँ सॉल्यूशन? हम जा रहे हैं सॉल्यूशन। इसलिए कोर बैठक भी बुलाई गई। कितना जाएंगे? 4 साल हो गए, 4 साल में हमने बहुत कुछ बदला है। पेट्रोल की प्राइस पिछले 73, आप 2000 कर्नाटक चुनाव में नहीं बढ़ते हैं, चुनाव के बाद जो आप दाम बढ़ा देते हैं। ये आपकी दृष्टि से देख रहे हैं कि चुनाव के बाद दाम बढ़ गए, हम इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये पेट्रोल कंपनियां ने एक साथ मिलके उसके बाद रेट बढ़ाए, ठीक है। तो आपकी अगर दृष्टि क्लियर रहेगी कि वो क्यों दाम बढ़ा रहे हैं तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जनता ये जानती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, अगर उनको राहत देंगे उसी से आपकी नियत और नीति को समझेंगे। आप किसी भी सरकार के प्रतिनिधि का एक भी स्टेटमेंट उठा लीजिए और वो कहेंगे कि हम जनता को कभी परेशान करने की नियत से तो कोई नहीं कहेगा। विपक्ष नहीं, नहीं, विपक्ष कहता है। आप गलत मुद्दे उठो ले रहे हैं। विपक्ष, आप राहत दीजिए और राहत होना चाहिए। राहत हम देंगे। जनता कितनी जीएसटी की बात कही है, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला? मैं बता रहा हूँ, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला? आप मुझे, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, मैंने बहुत मौका, अभी आऊंगा। संजय जी, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, अभी और मेहमान है, मैं आऊंगा। संजय जी, क्या उसी राह पर चल रहे हैं? जो महंगाई आपके दौर में थी वो महंगाई इस दौर में है भाई, और विपक्ष उस वक्त रख पाया अच्छी तरह से बात, आप भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन रख नहीं पा रहे। मुझे आपकी बात पे इतराज है सर, इतराज इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि महंगाई के दौर पे आ रहे हैं। आप देखिए कि जब $148 प्रति बैलर रेट था क्रूड ऑयल का पूरे विश्व में, तब भी इतने रेट नहीं हुए थे जितने इस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। और ये अच्छे दिन की बात करते थे, ये चोरों की सरकार है मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखें कि 10 बार इन लोगों ने एक्साइज बढ़ाई है। आप एक्साइज का रेट देखिए कितना टैक्स कांग्रेस के जमाने में था, कितना टैक्स आज है। ये बात करते थे अच्छे दिन की, ये सारा पैसा जनता का खा गए हैं और ये गरीब जनता को लूट के खा गए हैं। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए ना, आप सुनिए जरा 2 मिनट। अरे बहुत सुन लिया बाबा, आप सुनिए मेरे को, आप सुनिए। ये मेरे साथी खड़े हैं बेरोजगार, आप पूछिए, एक तो किसी पे नौकरी नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, महंगाई कहाँ किस कदर बढ़ रही है, और आज ये पेट्रोल के अंदर लगातार 12वें दिन आज ये रेट बढ़े और इनको शर्म नहीं आ रही है। किस तरह से ये जवाब दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ प्रवीण जी, प्रवीण भारती जी, जनता की फिक्र किसको है? तेल के दाम या महंगाई उस वक्त भी थी यूपीए के दौरान, महंगाई अब भी है, लेकिन यूपीए कहती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इतने तो नहीं है जितने इन्होंने बढ़ा दिए। देखिए ऐसा है, मैं पहले तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उस सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो विपक्ष में हुआ करती थी तो 1 रुपया कुछ पैसे बढ़ने पर वो जो है मुद्दा बना करके आंदोलन और सड़कों पर उतर जाया करते थे कार्यकर्ता। लेकिन जो वादे उन्होंने घोषणा पत्र में कहे थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में लगता है कि उन मुद्दों को दोगुने रफ्तार से
बढ़ावा इस सरकार ने दिया है। पेट्रोल की अगर हम बात करें, डीजल की हम बात करें, तो आज आम आदमी की जेब से परे हो चुका है पेट्रोल और डीजल गिरनवाना, और वो कई बार ये सोचता है कि मुझे नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना है तो मैं किन किन हालातों से जाऊं, अपनी पर्सनल कार से जाऊं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं। तो है क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए अपना निजी वाहन हम लोगों को यूज़ करना पड़ रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो महंगाई को कम करने में विफल साबित हुई है, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और इस महंगाई पर और किसानों के बारे में जरूर सोचे। स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 15 में, और बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज 12वें दिन में भी दाम बढ़े, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आम जनता काफी ज्यादा परेशान है, विपक्ष सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक हम इस सरकार का घेराव करेंगे जब तक राहत नहीं मिलेगी, और सरकार कह रही है कि हम राहत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आम जनता का कहना है कि उसको तुरंत जो है वो कार्रवाई चाहिए और इससे राहत चाहिए। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अजीत जी, क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार की मजबूरी है तेल के दाम बढ़ाना? आसिफ जी, मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात कहूँगा कि ना हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, आज भूखा है इंसान तू निवाले की बात कर। चाहे कोई पार्टियों ने देश में किसी भी समय सत्ता संभाली हो, समय समय पर, जैसे कांग्रेस के समय में भी लंबे समय अनेकों घोटाला हुए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं एक समाज घोटाला नहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम की बात कर रहा हूं। मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। आज पेट्रोल की स्थिति वाकई एक जो अचानक एक आश्चर्यजनक बढ़ गई है, इसका वाकई आम जनता के अंदर बहुत गलत मैसेज है। मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीद थी, उनको एक युग पुरुष के रूप में, महान पुरुष के रूप में लोग देख रहे थे और एक आस लगा के बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर अविश्वास की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है डीजल और पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्कुल सभी नेताओं से भी अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टियों के से, कि आपकी इमेज पर बहुत ज़्यादा फर्क लग रहा है। आपको पूरे हिंदुस्तान ने एक तरफा होकर वोट किया था, अगर आज जनता का उसमें कोई भी भला नहीं होता और अन्य ऐसी चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती रही तो वाकई पार्टी के लिए निंदनीय साबित होगा, उसका परिणाम गलत 2019 नाम बड़े खतरनाक आ सकते हैं, और ये उम्मीद नहीं थी। आसिफ भाई, मैं बात कहना चाहूँगा, जो स्टेट्समैन होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन की सोचते हैं, और जो रियल में गंदी पॉलिटिक्स करते हैं वो आने वाले चुनाव की सोचते हैं। मौजूदा लोगों की कोई फिक्र नहीं? नहीं, बिल्कुल फिक्र है, फिक्र है, और इनके बाल बच्चों की भी फिक्र है, इसलिए मैंने नेक्स्ट जनरेशन की बात कही है। आज से पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस समय जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन उस दाम बढ़ने के रीजन के पीछे मकसद क्या था, किसी गरीब माँ के घर में चूल्हा नहीं पहुंचा था, किसी गरीब के घर में लाइट नहीं पहुंची थी। अब कौन सा अगर हमने पहुंचे जी, आप उजाला योजना निकाल के देख लो, कितने लोगों के घर पे पहुंचे आप उजाला योजना, क्या एक मिनट, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सारा योजनाओं पर मैं दाम बढ़ाने, आप जनता को यह, आप जनता से कह रहे हैं कि हमें पैसे की जरूरत है? जी नहीं, मैं जनता से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस सरकार पे विश्वास किए हैं वो एक अच्छी सरकार है, और उस पे विचार गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। तभी 21 भाजपा शासित राज्यों में वैट टैक्स हमने डिक्रीज करने को बोला है पेट्रोल पे, क्यों बोला है? अगर 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 आप अपने राज्यों में कम करिए, देखिए आप देखिए जनता कह रही झूठ। सर ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये हमेशा भ्रमित करते रहे हैं। आप ये देखिए इस बात को कि जिस तरह से पिछली बार ये चुनाव में आए थे, हर चौक पे एक बोर्ड लगा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मैं पूछ रहा हूँ वो क्या हुआ, अब धक्का दोष मोदी सरकार को। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब भारत पेट्रोल के अंदर इंपोर्ट करने के बाद श्रीलंका को देता है, नेपाल को देता है, बांग्लादेश को देता है और दूसरी कंट्रीज़ को देता है, उन सभी कंट्रीज़ के अंदर 30-30 रुपया, 40-40 रुपया, 20-20 रुपया अगर रेट कम है, तो ये भारत में क्या आतंक मचा रखा, कौन वो पैसा खा रहा है, कौन वो पैसा खा रहा है, आप मुझे बताएं। ये एक्साइज, अरे ये आपको हमारा जानकारी सारी सही है, आप अपने आप समझिए बात को आप। नहीं नहीं भाई साहब, एक मिनट आप सुनिए प्लीज, नहीं इनको समझाइए ना, इनको कुछ पता नहीं है, ये तथ्य से विहीन है। मैं बताना चाहता हूँ, ये भ्रमित कर रहे हैं, इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, मैं उज्ज्वला योजना बता रहा हूँ। नहीं एक मिनट सर, वो भी पेट्रोलियम है सर, उज्ज्वला भी दो सिलेंडर देते हैं, तीसरा सिलेंडर कौन भरेगा? और आप मुझे बताइए, 800 रुपए का पेट्रोल पंप है, 800 रुपए का सिलेंडर, हम 450 का देते थे, ये 800 का सिलेंडर दे रहे हैं।
और इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको शर्म नहीं आ रही, 12 दिन लगातार रेट बढ़ गए। सर सबसे पहली बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का प्रभाव सिर्फ मिडिल परिवार पे नहीं पड़ेगा, एक निचले तबके तक जाएगा ये, क्योंकि जो गाड़ी चढ़ रहे हैं उनके ऊपर तो पड़ेगा, जो नहीं यूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ये रेवेन्यू जनरेट किया, कहा कि पहले हम ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल का दाम कम था तब कहा कि हम इसको बैकअप बना रहे हैं ताकि जब बढ़ेंगे दाम तब हम इसको बैकअप की तरह यूज करेंगे। तो मैं मोदी जी से यही मांग करता हूँ, विपक्ष कह रहा है चुनाव का बैकअप बना रहे हैं, तो हाँ तो ये तो हो रहा है, अगर आप इस पे निर्णय नहीं करेंगे तो विपक्ष तो कहेगा ही, ये स्वाभाविक बात है। क्या मजबूरी है सरकार की, क्या कम? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को कि भाई जितने भी लोग कार से चल रहे हैं, कुछ नहीं एक घंटा जो है जितने भी लोग कार से सफर कर रहे हैं, सब कार को बीच रोड में लगा के अपने वो गेट बंद करके चल दे, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपना सॉल्यूशन निकालेगा, अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि जनता से बड़ा गवर्नमेंट नहीं है। बिल्कुल, जनता से बड़ा कुछ नहीं, जनता की सहूलियत के लिए ही सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जनता कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए सड़कों पर कारें खड़ी करके, या आम लोग कह रहे हैं? देखिए, आम लोगों का गुस्सा, आम लोगों का प्यार दोनों सरकार को स्वीकार्य है। गुस्सा है, गुस्सा प्यार मैंने बोला दोनों स्वीकार्य होता है, और सरकार की ये दायित्व बनती है अगर आम जनता गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है उसे जाने और उसका अविलंब सॉल्यूशन दे, तो उस पर सरकार ऑलरेडी वर्क कर रही है। और मैं आपको स्वस्थ करता हूँ आसिफ भाई, आज मैं डिबेट कर रहा हूँ नोएडा सेक्टर 15 में, आने वाले एक हफ्ते के अंदर आप फिर मुझे बुलाओगे शायद डिबेट करने के लिए, और आप ही बोलोगे कि शायद ये सरकार रियली में जनता की सरकार है, जैसे हमने बाकी चीजों पे सॉल्यूशन लाया है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो। तो आपका कहना कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? नहीं, ये भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, पेट्रोल के बढ़ते दामों पे सरकार बहुत ही गंभीर है, और इस पे मैं आपको फिर क्या देखिए, ऐसा है इस सरकार ने आज इस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो देश का किसान है, जो देश का किसान है, वो किसान बर्बाद की कगार पर है, और एक दिन ऐसा आएगा इस महंगाई को देख करके, डीजल के दामों को बढ़ते हुए देख करके, कि किसान कृषि को छोड़ देगा। आज मैंने अब से 20 साल और 15 साल पहले देखा कि लगभग 20-25 रुपए का जो है अंतर पेट्रोल और डीजल में हुआ करता था, आज मात्र 8 से 10 रुपए का अंतर रह गया है, और किसान डीजल को खरीदते हुए में बड़ा हिचकता है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी वो उपयोग करता है डीजल को, चाहे वो इंजन चलाने के लिए करे या चारा काटने के लिए किसान करे, आज किसान मोहताज है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वो अपने इन खेती को कर सके। दाम बढ़ रहे हैं उससे किसानों को भी खेती बाड़ी करने में काफी आऊंगा दिक्कत हो रही है, लेकिन सवाल यह, और उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, डीजल के दाम बढ़ा के उनकी दिक्कतों में और इजाफा किया जा रहा है। मैं एक बार मोदी जी के बारे में एक शेर कहना चाहूंगा और उसके बाद इसको बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बहुत शोर सुनते थे जिसका पहलू में जो चीरा तो कतरा एक खून भी ना निकला, जितना शोर मोदी जी ने बताया था, जितनी योजनाएं बताई थी, और जितना भाई साहब मेरे जिक्र कर रहे थे अभी, मेक इन इंडिया, फलाना स्टार्टअप इंडिया, और ये इंडिया और वो इंडिया, आप मुझे बताइए गंगा साफ हो गई? आप मुझे बताइए 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी मिल गई? आप मुझे बताइए कि किसान को 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिल गया? आप मुझे बताइए जनधन का 15 लाख रुपये आ गया? आप ये बात करें, 4 साल में बहुत काम किया, इनके मंत्री डींगे आंक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं चलो उन बातों से हटके सीधे इस बात पे आऊँगा, आप संजीद, एक मिनट भाई साहब, संजीदगी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे आसिफ भाई बताएं कि एक बार ऐसा बताएं कि कांग्रेस के राज के अंदर लगातार 12 दिन अगर डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़े हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर 12 दिन लगातार अगर डेली प्राइस बढ़ाओ, और इनको शर्मानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को तुरंत रेट घटाने चाहिए, और कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संसद के ऊपर घराव कर रही है, और जब तक ये प्राइस नहीं घटाएंगे, जनता को भी घटाएं, जनता नहीं जुड़ रही है आपके साथ। आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसका आम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों की क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तो आपको देखना होगा, वो भी तो ग्रोथ से जुड़ा है देश के। भाई मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ना हमारी सरकार की कभी ऐसी मानसिकता रही थी कि जनता को चोट करो और अपना माल भरो, ये मानसिकता किसकी रही थी जनता ने देखा है। अब बात करते हैं पेट्रोल के बढ़ते दामों पे, ठीक है, पेट्रोल की बढ़ते दाम कभी भी किसी भी सरकार के मानसिकता और नियत पे तब सवाल खड़ा करता है जब उसके लिए वो अग्रसर ना हो।
आपको भी पता होगा, आप न्यूज माध्यम से आते हैं, मीडिया रिपोर्टर हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में न्यूक्लियर डील की बहुत बड़े फंडे सामने आए जिसके कारण इराक के मैटर से हाइट हुई थी। अलग नहीं है, पेट्रोल से रिलेटेड है ये। जब यूपीए सरकार थी, जब आप यूपीए के आगे, आप तथ्य रखने दीजिए जनता के आगे, जब इस चीज को देखते हुए मार्केट में उछाल और गिरावट आती है तो उसका सीधा असर हर एक सरकार के ऊपर पड़ता है। ये तो यूपीए के दौरान भी हो रहा। मैं कह रहा हूँ, यूपीए को कहने दीजिए, मेरे को कहने दीजिए, देखिए मेरे को कहने दीजिए। जनता को असलियत पता चलनी चाहिए, जनता को असलियत पता चलनी चाहिए। चलिए एक बड़ा सवाल ये है कि सीधा राहत सीधी राहत जनता को मिलना चाहिए। सीधी मैं आऊंगा सबके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार प्रवीण भारतीय जी से पूछेंगे क्या इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ रहा है। बन रही है हमारे साथ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ावे को लेकर। यहाँ शोर काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की बात समझने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे अपील है कि आप अपनी बात सिर्फ कैमरे के सामने रखें ताकि देश की जनता सुन सके। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या सरकार की ऐसी नाकामी है जिसको लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार कम नहीं कर पा रही है? क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा हैं जिसके चलते ये कंट्रोल में नहीं है, या फिर सरकार की नीयत और नीति में यहाँ पर खोट है? जब यही बीजेपी विपक्ष में बैठी थी तब यूपीए सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी कि इनको सरकार नहीं चलाना आती है, अगर हमारी सरकार होगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों पे घिरती नज़र आ रही है जिसमें एनडीए यूपीए सरकार को, पिछली सरकार को घेरने में लगी थी। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद है, जनता हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है। एक बार फिर से सबका देखिए, आज वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान समय में ना तो आम आदमी को कोई राहत है, और जो 2014 में इन लोगों की घोषणाएं थीं उस समय और आज के समय में इनकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है, करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। इन लोगों ने अभी यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तमाम मुद्दों पे काम किया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश का मैंने अभी साइकिल से भ्रमण किया था। मुझे पता है कि शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है, मुझे पता है कि स्वास्थ्य का स्तर कितना अच्छा है। आज पेट्रोल की बात हो रही है, डीजल की बात हो रही है, तो आज देश का गरीब किसान मजदूर पेट्रोल और डीजल की इन बढ़ती लागतों से के बीच में पिस रहा है। है क्या, जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। देखिए, डीजल के दाम कम नहीं। आसिफ जी, जितने प्यार और शालीनता के साथ आपने इनकी बातों को सुना, जनता को वक्त में रखिएगा। बिल्कुल कम वक्त में मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल कम वक्त में। जब हम बात महंगाई की करते हैं आसिफ भाई, तो हम बात हर एक चीज की करते हैं, और आप हमेशा एक वर्ड का यूज कर रहे हैं कि जनता को कितनी सहूलियत मिली। सहूलियत का कतई ये मतलब नहीं है, आके जनता पे टिकती है। लोकतंत्र का मतलब जनता है, अब इसीलिए हम जनता के बीच आए हैं। बता रहा हूँ, मैं जनता को ही बता रहा हूँ, तो जनता से मैं एसी का स्टूडियो छोड़कर जनता के बीच मैं तभी जनता को बता रहा हूँ कि जनता की सहूलियत और जनता की जरूरतें हर एक मायने में अलग अलग होती हैं। अगर हम जनता को एक अच्छी सड़क देते हैं तो भी हम जनता की सोचते हैं, अगर हम अच्छा अस्पताल देते हैं तो भी हम जनता की सोचते हैं, अगर अच्छा हम वातावरण देते हैं तो भी हम। उनसे राज्य ऐसे बीजेपी शासित जहां पर हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश से आज खबर आई है कि ठेले पर, एक मिनट, आप कह रहे अस्पताल गोरखपुर में कितने बच्चे, और अभी खबर आई उत्तर प्रदेश के एक जिले से ठेले पर रखकर अपनी माँ को लेकर जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल, निधन हो जाता है बलिया में, और वो वापस आता है उसी को शव को लेकर। यह अस्पताल की व्यवस्था, मैं आपको बता रहा हूँ अस्पताल की व्यवस्था पे, जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई भी छोटी और बड़ी त्रुटि पाई गई है तुरंत उस पे एक्शन लिया गया है। और इसीलिए था क्यों नहीं तुरंत, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए झारखंड जैसे छोटे राज्य में हमने एम्स देने का काम किया जो पूर्व में किसी सरकार ने नहीं किया। उसके बाद एक रुपये में आज तक बता दे कोई भी सरकार किसी भी महिला को फ्री में रजिस्ट्री दी हो, आज तक बता दे कोई सरकार किसी गरीब के घर चूल्हा पकाया हो। देखिए, मैं ऐसा है, कोरा झूठ ये बोलने वाली सरकार है, और जितनी बातें मेरे प्रवक्ता दोस्त के तेज बोलने से कोई सच्चाई, तेज बोल के झूठ, झूठ को तेज बोल रहे हैं आप। ये मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ उससे भाई, दोबारा उस बात पे आ रहा हूँ,
तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये हालात और ये पेट्रोल जो, अरे सुनिए ना भाई साहब, आप पेशेंस रखिए, ये लोग देख रहे हैं आपको, चैनल पे देख रहे हैं आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं ना, मैं और कहना चाहता हूँ, नहीं मेरी आप सुनिए ना बात, आप मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये मुझे बताएं कि ये जो रेट पहुँच गए हैं, ये जो हालात हो गए हैं पेट्रोल के, और जो बात आप कह रहे थे आज किसान सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा इफेक्टेड है, आज ये देखिए कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर लोकल ये लोग इसमें इफेक्टेड, जब डीजल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के क्या रेट हैं, आप ये देखिए किस तरीके से लगातार 12 दिन से बढ़ रहा है। हमारी मांग है, हम सीधे तौर पर विपक्ष में हैं, आज हम सत्ता में नहीं हैं, हम मांग करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, जो देश के अंदर अपने आप को पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नायक सिद्ध करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, हम कहना चाहते हैं कहाँ गया वो नायक, कहाँ गई वो सुषमा स्वराज जो छाती पीट के चौक पे नाच रही थी पेट्रोल के रेट के लिए, आज क्यों नहीं नाचती है, आज गरीब का दर्द खत्म हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ उस वेंकैया नायडू से जो आज देश के उपराष्ट्रपति हैं, क्यों नहीं वो सरकार से इस बात के लिए बात करते हैं, और पहले तो बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, आज उस अमित शाह को क्या हो गया है जो बात करते हैं लोग लुभावन की और आज पेट्रोल के रेट के ऊपर बिल्कुल चुप हैं ये लोग सरकार में, इसलिए शायद कुछ। मैं तो सिर्फ आज वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता, हमारे भाई हैं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि हमने भी 18 राज्यों में हमारा संगठन कार्य करता है, पूर्ण तरीका से मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ कि उन पे वो कौन सा तरीका था कि जो 45 रुपये पेट्रोल के रेट वो करते, और उस करनी में और कथनी में भिन्नता क्यों, आप इस बात का जवाब दें। आपको मैं स्टेटमेंट मोदी जी के द्वारा दिखाऊंगा कि उन्होंने कहा था कि जब हम दिल्ली में बैठेंगे, उस बैठते हैं नहीं दिल्ली में, पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 45 और डीजल और भी उससे कम 4-5 रुपए कर और आम जनता को सहूलियत देंगे। मैं ये जवाब मैं लूंगा, लेकिन आप बताइए क्या टैक्स कम करना नहीं चाहिए क्या राज्य और केंद्र? नहीं, मैं मुझे अपनी दो लाइन में बात कंप्लीट करनी है, मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। 2014 में पेट्रोल का प्राइस 73 रुपए था, आज 76 से 77 या 78 है, 4 रुपए बढ़ा है। मैं युवा हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं अपनी बाइक से जाऊंगा, 4 रुपए एक्स्ट्रा पे करूंगा, बट वो 4 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मोदी जी को देने पे, मोदी जी गरीबों के घर में रसोई देते हैं, उनका घर बनवाते हैं, और जो किसान हैं उनको जो यूरिया पहले नहीं मिलती थी वो यूरिया आज घर घर पहुंचाते हैं, क्योंकि वो नीम कोटेड करके देते हैं, तो वो 4 रुपए मैं अपनी छाती ठोक के मोदी जी को देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप योजना की बात सोचा प्रधानमंत्री, टैक्स लाना ही पड़ेगा, तो ये टैक्स तो यूपीए भी, ये तो यूपीए सरकार में भी हो रहा था, उस टाइम क्यों विरोध कर रहे, यूपीए सरकार में भी दाम जब ज्यादा थे तब क्यों विरोध कर रहे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि जीएसटी में अगर चीज है ऐसा तो नहीं है, डीजल और पेट्रोल के दाम कितने ही बढ़ता है वोट है मोदी जी। हम एक चीज बोलेंगे, एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब गरीबों के घर बनेंगे ना, और जब गरीबों की रसोई की बात हो जाएगी तो भावनात्मक चीज हो जाएंगी, नहीं गरीब की रसोई, गरीब आदमी कहाँ से 4 रुपए फालतू देगा, आप भावनात्मक बात नहीं करें, नहीं दे सकता बिल्कुल। ये मोदी भक्तों की भावना है, देश की जनता की भावना नहीं है, ये मोदी भक्त है, ये 4 रुपए ज्यादा देना चाहते हैं। देखिए अभी हमारे एक साथी थे जो व्यक्तिगत कह रहे थे कि 4 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूं, लेकिन आज देश के किसान की हालात जाकर के देखो, गांवों में जाकर के वो 4 पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। आज किसान की डीजल के बढ़े हुए दामों के कारण जुताई नहीं हो पाई है, आज फसलें खत्म हो गई हैं, उसके खेत में पानी नहीं लग पाया है, और बात कर रहे हैं 4 रुपए एक्स्ट्रा देने की। अरे उन किसानों की भी तो सोचो, जिन किसानों के लिए आपने आय की दोगुनी की बात की थी, आपने जीएसटी हटाने की बात की थी, कृषि यंत्र से जीएसटी हटाने की भी बात की थी, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने नौटंकी करने का काम किया है, कोई भी कार्य तो और मुद्दे होते हैं, सरकार बन जाती है मुद्दे बदल जाते हैं। 15 लाख के जुमला कहने वाले लोग आज दुनिया सारे पूरे भारत राज बना लो, उससे क्या सरकार देश सुधर गया? नहीं, आज नकली नोट आ गया शहर में, चल रहा है नोट बदल दिया, नोट अभी भी चल गलियों में चल रहा है। ठीक है, लेकिन आम जनता अगर नाराज हो जाएगी और आपको उससे कुछ चंद पैसे अगर जुड़ जाएंगे, आपकी योजनाओं में काम आएंगे, अब चुनाव आपके सिर पर है, तो बड़ा नुकसान होगा, पेट्रोल और डीजल के दामों से बड़ा फर्क। मैं आप मुझसे एक बार पूछें या 100 बार पूछें, मेरा जवाब एक ही होगा कि हम चुनाव नहीं सोचते। पहली बात, अगर चुनाव सोचते तो ना तो हम नोटबंदी लाते, चुनाव रहता फिर क्यों नहीं दाम बढ़े? नहीं देखिए, ये सामाजिक कार्यकर्ता मुझे नहीं लग रहे, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं लगते, बिल्कुल ये मेरी बात सुने आप। अगर अब मैं आपके साथ, देखिए मैं तो जहर पीऊंगा और पी के अमृत ही दूंगा, ठीक है, जहर पिला दो मुझे, जितना पिलाना दूंगा मैं अमृत ही,
बात अपनी रख रहा हूँ मैं भी, दवा कह के हर सब चीज नहीं थोप सकता, नहीं नहीं थोप नहीं सक रहा मैं जनता का फैसला हमारे सर चढ़कर बोलेगा, जनता की दुख हमें लगती है उसे हम समझते हैं, तभी मैं कहने जा रहा हूँ कि दाम का बढ़ना और बढ़ा के हमेशा के लिए रख देना दोनों में अंतर होता है। अगर दाम बढ़ा है तो उस पर आप ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी उस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, आप मेरी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आने वाला एक हफ्ता बताएगा कि ये सरकार ने पेट्रोल पे और डीजल पे क्या एक्शन लिए। अगला सवाल मेरा सवाल का जवाब बात कर रहे हैं, जनता का सवाल बात करें, क्या चार साल तक यही 12 दिन की नीति थी? नहीं, ये सुनिए मैं बिल्कुल बोलूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। कुछ ऐसे लोग हमारे भारत में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ, नहीं मैं उन्हें बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं सो कॉल्ड मैं बोल रहा हूँ, सो कॉल्ड मैं उन्हें बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्हें कि आप अगर रिसर्च करते हैं तो सही सही मुद्दों पर यह भी रिसर्च करें कि सरकार आप देखिए आराम से देखिए, आप अगर एक दिन बढ़ाते 2 दिन लगातार 12 दिन बढ़ाएंगे और फिर क्या विरोध भी ना करें? नहीं, नहीं, विरोध करो, विरोध करना सबका अधिकार है, विरोध को हम स्वागत 12 बार कभी देश को हम स्वागत करते हैं। नहीं नहीं, अब बीजेपी का करिए, मेरा करिए, सबका करिए, विरोध करना, इस देश का संविधान आपको हक दिलाता है, आम जनता का सवाल पूछता है आपको क्यों बुरा लगता? नहीं हमें नहीं बुरा लगता, हमें बुरा तब लगता है जब विरोधी हमारी जनता को गुमराह करते हैं, हमें बुरा तब लगता है क्या आप गुमराह हमें? नहीं नहीं हमें सर देखिए सर ऐसा है, ये इस तरह से आप देखिए सुनिए, फासीवादी इनकी नेतृत्व है, तानाशाही इस कदर तानाशाही व्याप्त है कि ये जनता की आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम जो बात कर रहे हैं विपक्ष के अंदर हैं, हमारी डिमांड है, राहुल गांधी जी की डिमांड है, कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, देश की जनता की डिमांड है, सभी दलों की डिमांड है कि इसके अंदर रेट कम होने चाहिए। जब 12 दिन लगातार बढ़ते हैं तो ये दर्द होता है, किसान को तकलीफ होती है, छोटे लोगों गरीबों को तकलीफ होती है, हमारे स्टूडेंट ये विपक्ष में आने के बाद तकलीफ दे। नहीं बिल्कुल गलत है राशिद भाई, साल में तकलीफ अगर देख ले। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं आज ये कह रहे हैं एक हफ्ते में क्या ड्रॉ निकलने वाला है, एक हफ्ते के अंदर क्या पिटारा खुलने वाला है, एक हफ्ते में क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताएं, एक हफ्ते के अंदर आप क्या कर देंगे, आप एक हफ्ते में क्या कर देंगे? अरे भैया आप ये आप 4 साल में कुछ नहीं कर पाए, आप एक हफ्ते में क्या कर देंगे? और आपने जो करना था वो कर दिया, देख रहे हैं लोग, आपने सारा देश का हाल विपक्ष को। और अरे भाई साहब सुन लीजिए, अभी जो फिटनेस की बात है वो इसलिए इस समय इसलिए कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो आज बढ़ गए हैं तो आज आम आदमी क्या करेगा, गाड़ी को सेल्फ ऑफ करेगा और धक्का से लेकर के वो जाएगा। इनका संदेश जो है वो ये है, आज कई लोगों ने फिटनेस ठीक रहेगी, धक्का लगा करके फिटनेस ठीक रहेगी, तो इस तरीके से अगर ये जो फिटनेस के और इन चीज़ों पे ये कहेंगे तो ये बिल्कुल निंदनीय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान केंद्र सरकार को कि वो जो वादे उन्होंने 2014 में किए थे, 6 महीने की सरकार बची है, उस पर कुछ अगर उनको शर्म आती है तो उन पर कुछ काम कर लें, अन्यथा 2019 में ये जनता आपको बताएगी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या उसके नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की हालत, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज पैदा है, आज जंगल राज पैदा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपराध का आंकड़ा मैं, अरे एनकाउंटर की बात कर रहे हैं आप, सहमत कैसे नहीं है, एनकाउंटरों की जांच करा लीजिए, CBI जांच करा लीजिए। हम देश का किसान जो चाहता है और बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ उसे पूरा करना हम नहीं जानते, हम उसे करके दिखाना जानते हैं तब उसको बात कर रहे हैं। सर जी देश का किसान ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को ना अपने जैसा ना बनाए, वो है ना ये चाहता है कि वो DM SDM बनाए अपने बच्चों को, ठीक है, अगर उन्होंने अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएगा ना तो फिर है ना उसकी भी ऐसी हो जाएगी, उसकी जवाब दूंगा। सही कह रहा है किसान को, क्योंकि फसलों का दाम नहीं मिल रहा। मैं बता रहा हूँ आसिफ भाई आपको रियलिटी ये है कि कुछ मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, आप देश का भ्रमण करते होंगे, अगर हम किसान की कंडीशन की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पूर्व में सरकार की नीति और अभी की सरकार की नीति की मंशा क्या रही। किसान आज भी खुदकुशी कर रहा है, आज भी बाजी दर, प्याज 2 रुपए किलो, मैं बता रहा हूँ, टमाटर फेंका, आलू फेंक के विरोध किया, प्याज 100 रुपए में, आलू किसान मुख्यमंत्री आवास के ऊपर आलू सरेआम फेंकता है, टमाटर फेंकता है, जब फसलों का उसको कीमत प्याज की आज 1 रुपया किलो नहीं मिल रही,
मुझे मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो सरकार, जो एक रुपया किलो आज किसान को प्याज की कीमत, आप बताइए लागत। अरे पेशेंस रखिए भैया, आपको दुनिया आपको जवाब देंगे, लोग आप दे रहे हैं और आपको आगे भी देंगे, चिंता ना कीजिए। आप लगातार चुनाव आ रहे हैं, आप देखिए सुनिए जरा, आप सुनिए, आप देखिए ना, अभी आ रहे हैं किराना, अब आप किराना में जवाब आने वाला है, फूलपुर आप आ रहे हैं अभी, अभी देखो ना लाइन लगी है आपकी, आप जनता सुनिए, मैं दो मिनट, आप मुझे आप प्लीज मुझे बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, देश की महिलाओं की विरोधी सरकार है, दलितों की विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यकों की विरोधी सरकार है और देश की तरक्की की विरोधी सरकार है। जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर रेट बढ़ाए हैं, जो पेट्रोल के रेट है, यह अविलंब वापस होने चाहिए। जो विरोधी सरकार आप बता रहे हैं ना, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो केवल सिर्फ उन्हीं की सपोर्टर सरकार है और उनको लगता है कि ये हमारी विरोधी है, बाकी उनके अलावा बाकी सबका सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर ले कि वो हमारा सपोर्ट कर रही है। कैसे समझाएंगे देश की जनता पेट्रोल डीजल पे? मैं यही बोलना चाहूंगा, आपने अगर प्यार दिया है तो आपका गुस्सा भी हम सहेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं। ये पेट्रोल तो जनता का लोकतंत्र में वोट खिलाफ करके बिल्कुल, देश सिर्फ और सिर्फ जो है देश का आम आदमी गड्ढे की तरफ जा रहा है, देश का कोई भला नहीं हो रहा है। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जुमलेबाजी और गहरी निंद्रा त्याग कर हकीकत की दुनिया पे हकीकत पे पैर रखिए, आप जमीन पे उतरिए। जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, अब लोकसभा चुनाव 2019 सिर पर खड़ा है, अगर एनडीए सरकार बेहतर काम कर रही है, खत्म होगा, अगर बेहतर काम कर रही है एनडीए सरकार तो फिर चुनाव के वक्त जनता एक बार फिर से मौका देगी, और अगर बेहतर काम नहीं कर रही है तो फिर ये जनता जो है उसी तरह से सबक भी सिखाएगी। खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV100। नमस्कार।